कैसे हैं आप लोग? केम जो पब्लिक, हूँ जू मगन फ्रॉम द न्यूज चैनल गोमनी पंचायत। अमरा चैनल ऊपर तमने बतावा उसे आखा गाम में शू थई रह्यु छे। अत्यारे ताजा न्यूज आवी रही छे के गांधीनगर मा, गुजरात ना गांधीनगर मा मावानी फैक्ट्री मा आया छे 10 लुटेरा जे मावानी चोरी करवाना छे। अत्यारे शाहिद लोको त्या फसायला छे। तमने शू लागे छे, आ लोको बची सकशे? तमारो जवाब जे होय ए मने एसएमएस करो नीचे आपेलो नंबर मा। तमारो जवाब हा होय तो दबाओ ए, अने तमारो जवाब ना होय तो दबाओ बी। जे पण जीत्यु एने मळशे 20 मावाना पैकेट अने 25 विमलना अने अजय देवगन जोड़े सेल्फी। आ वात उपर के मावानी चोरी मा कोनो हाथ होई सके छे, राहुल गांधी नो स्टेटमेंट आयो छे, तमने बताई रहा छे राहुल गांधी नो स्टेटमेंट। आज देश में जितने भी प्रॉब्लम है उसमें मोदी जी का हाथ है। निर्मा का जो मास प्रमोशन हुआ, एलडी का नहीं हुआ, इंडस का नहीं हुआ, चारुसत का नहीं हुआ, उसमें मोदी जी का हाथ है। ये मोदी जी की वजह से ही गांधीनगर में मावा की चोरी हो रही है। या घना पॉलिटिशियंस जे आ बाबते बबाल करी रहा छे, आओ देखिए आपड़े। इस मावा हाइस में ना मोदी का हाथ है, मोदी का। इस मावा हाइस में मोदी का हाथ है। मेरे को तो लगता है इस हाइस में अपने नरेंद्र भाई का हाथ है। मोदी जी खेल गए। ये प्रॉब्लम मोदी जी की वजह से हुई है। ये भाई पप्पू ने किया है, पप्पू ने, मोदी जी ने किया, पप्पू ने किया, मोदी जी ने किया, पप्पू ने किया, मोदी जी ने किया, पप्पू ने किया। चल चल कैमरा बंद हो गया, चल 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 चल। कड़क भी तो अबे अपने जानिए के गांधीनगर की फैक्ट्री बार सु हालात छे। तमने शू लागे छे पोलिस अंदर घुसी सकशे? तमारो जवाब जे पण होय नीचे आपेला नंबर पर अमने एसएमएस करो अने जीतो 20 मावाना पैकेट 25 विमलना। जल्दी हूँ तमारी विदाय लईश, आपणे मळशू नेक्स्ट टाइम। अने हा, अमारा चेनल जोड़े संबंध बनाई रखजो केम के अमे लेटेस्ट न्यूज आपता रहीए छे। પોલીસ વાળા અંદર આવે છે, બોલો શું કરવાનું છે, આગળનો ઓર્ડર શું છે? ભાઈ આત્મનિર્ભર બનો, થોડા આત્મનિર્ભર બનો, હર વખતમાં અડધી જ એડવાઇસ લેતા રહેશો, આ વખતે આપી દઉં છું એક્ઝિક્યુટ પ્લાન નંબર 420, ફાયરિંગ ચાલુ કરી દે। To talk with him now. Now patching through the call to the kidnapper. Can you explain to me how this happened? We were forced to make a tough choice. It looked like they were going to start shooting, and we had no time to deliberate. Silence, please!